अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबके। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है नाश्ता। ये बनाया था अचार गोश्त एक दिन पहले, सो वो मैंने सालन में नाश्ते में निकाल लिया था। सो यहाँ पर मैंने बस खाना पीना ही दो तीन दिन में जो हमने किया वो आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि अभी तो मौसम बड़ा अच्छा है, लेकिन अभी बाहर जाना हो नहीं रहा है। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ्राइडे को मेरे हस्बैंड ने वादा किया है कि चलो बाहर चलेंगे, कहीं लेके जाएंगे। तो देखें, अगर लेके गए, अगर हमारा पॉसिबल हुआ जाना, तो ज़रूर ज़रूर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बच्चे तो बहुत एक्साइटेड हैं कि फ्राइडे को जो है हमें जाना है बाहर। तो देखें, अल्लाह करे कि बारिश तेज़ ना हो, क्योंकि जब बारिश का वेट कर रहे हैं तो हो नहीं रही, और जब हमें नहीं चाहिए बारिश तो जब हो जाएगी। और इस दफ़ा क्या, बल्कि अब जाहिर है कि वो आबोहवा जो है वो चेंज होती रहती है, घूमता रहता है मामला 10 साल बाद। सो यहाँ पर जो है बहुत ज़बरदस्त बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। अच्छा, बारिशों से थोड़ा हटते हैं और अभी आते हैं आलू के पराठों पे। वैसे तो मैं रेसिपी 1000 दफ़ा दे चुकी हूँ आपको, ये हमारे यहाँ बहुत बनते हैं क्योंकि अरबिश को बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैंने इसमें नमक डाला, हल्दी डाली है और चाट मसाला, भुना हुआ जीरा नहीं था ऐसे ज़ीरा डाल दिया है। कोई एक चीज़ ज़रूर मेरे पास होती नहीं है, उस वक्त टाइम नहीं था, मैं उसको भूनूँ बैठ के और उसको कूटूँ। खैर, इसमें धनिया वगैरह डाल के जल्दी जल्दी से मैंने ये बैटर तैयार कर लिया है। और यही मसाला छोटे छोटे काम कर लेती हैं, आटा छान रही हैं और उधर आलू बन चुके हैं, और भरती जाओ, सुबह के लिए भी काम आ जाएगा। और मैं कबाब निकाल लेती हूँ, फिर आप लोग इसके साथ कबाब खा लेना। देखिए, अभी एक मैजिक होने वाला है, ये देखिए, ये तो बंद हो गया, फ्रिज बंद था। मैंने कबाब निकाल लिए हैं। सो आटा गूंद लेती हूँ, उसमें नमक और घी डलेगा। घी थोड़ा सा ज़्यादा ही चला गया था मुझसे, तो अच्छा कुरकुरे से पराठे बन गए थे। अच्छा, यहाँ पर ये था कि अरबिश को जो बड़ा शौक हुआ हुआ था कि मुझे बनाने पराठे, लेकिन मैंने कहा ये इतना आसान काम नहीं है, ये आपके अभी बस का नहीं है, अभी आप पढ़ें। और माशाल्लाह काम तो बहुत सारे कर लेती हैं वो, घर भी संभाल लेती हैं काफ़ी जब मेरी तबीयत वगैरह ख़राब हो। इसके अलावा मैंने कहा चलो तुम वीडियो बना लो, तो वीडियो में और फिर खड़े खड़े बातें करते रहो ना, तो काम इतनी जल्दी गुजर जाता है, हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। एक से दो बंदे अगर किचन में हो तो बड़ी जल्दी काम हो जाता है। अच्छा, ही मैं दिखा रही थी आपको कि मैं जब शादी से पहले आटा गूंथती थी ना, तो मैं अपनी अम्मी को इस तरह से बहुत दफ़ा डराती थी कि पूरे में मैंने आटे में पानी फैला के, और बोलती थी अम्मी मुझसे पानी ज़्यादा हो गया और ये हो गया। सो अम्मी ना हम गुस्सा करती थी, फिर बाद में हंसती थी कि मैं, क्योंकि मैं प्रैंक कर रही होती थी। बस ये कुछ बातें निकलती रहती हैं, बहुत सारी यादें होती हैं। इधर जो है आलू के पराठे बन रहे हैं और मैं बनाती हूँ डबल पेड़े वाले, तो आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। और इसके ऊपर ये रख देंगे और ज़बरदस्त जो है इसमें फिलिंग हो गई, और अब इसको साइड साइड से बेलेंगे, बीच में से उसको प्रेस नहीं करेंगे वरना सारा बाहर आ जाएगा आलू। तो ये साइड साइड से जो है, अभी आपको लग रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा प्रेस कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल हल्का हाथ चल रहा था क्योंकि हमें तो प्रैक्टिस हो चुकी है हर चीज़ की। ये बस हल्का हल्का सा मैंने साइड है इसकी बंद करने के लिए प्रेस कर दिया, और ये बन गया ज़बरदस्त आलू का पराठा। तो यहाँ पर जो है अभी मैं इसको, घी तो अच्छा खासा डल गया, लेकिन मैं इसको तेल से बनाऊँगी। और आ जाते हैं मौसम के हवाले से, तो मौसम जो है अब चेंज होता जा रहा है, और इसी तरीके से अब कराची में बारिश, सर्दी, गर्मी, सब कुछ इसी तरह से ज़्यादा ज़्यादा आएगा। तो बस अल्लाह पाक जो है ना सबको हिम्मत दे हर चीज़ की, सर्दियां भी बर्दाश्त करने की और गर्मियां भी, और ये बारिशें भी। बारिशों से तो बहुत ज़्यादा इस दफ़ा नुकसान हुआ है, और अभी जो है ख़बरों में मैं देख रही थी एक पूरी गाड़ी पलट गई है मली नदी में, और वो मिले भी नहीं है अब तक, बच्चे मिल गए, उसकी वालदा नहीं मिली। बहुत बहुत अफसोसनाक वाक्य सामने आ रहे हैं। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। हम लोग बारिशों की दुआ तो करते हैं, बारिशों से खुश होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, और दूसरी टू फेस होते हैं हर चीज़ के, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है। अल्लाह पाक सबको हिम्मत दे। अच्छा, नानी आई थी, तो मैं वो भी आपसे ज़रा क्लिप शेयर करती हूँ, नानी क्या लाई। कपड़े लाए ऐसी, और सारे तीनों एक जैसे। माय गॉड, पूरी साड़ी लगा दी नानी ने अपनी, सलवार भी आई है साथ, दिखा। अच्छा, वो वाली जी, हाँ मुझे कह तो रही हूँ, नहीं बहुत ही पुरानी साड़ी है नानी की, दिखा। अब ये कब पहनोगी? नानी जो है कुछ ना कुछ लाती रहती हैं सी कर, और वो अभी आजकल सिलाइयाँ खूब चल रही हैं क्योंकि इस्लामाबाद जाने की तैयारी हो रही है, और
तेज़ काम हो रहे हैं। अभी मेरी बहन के भी कपड़े सिल रहे हैं ले जाने वाले, और अरबिश भी जाएंगी, उनकी भी तैयारी करनी है। सो बस वो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ, अभी इनकी नानी की साड़ी जो है एक रखी हुई थी वो सी कर ले आई, और इधर रेसिपी इतनी आगे चली गई। ये मैं बना रही हूँ तहरी। तहरी तो सबको आती होगी, प्याज में लहसुन अदरक डाल के नमक मिर्च हल्दी बस, और इस तरह से हो जाएगी तहरी तैयार। मैंने कहा चले जो भी डिश बना रहे हैं वो आपसे शेयर करते रहते हैं कि हमने क्या क्या खाया इन 2-3 दिनों में। सो टमाटर जो है अच्छे से मैश हो जाएंगे, तो उसमें मैं आलू डाल दूंगी। अभी फ़िलहाल मैं दिखाती हूँ कि हो क्या रहा है बाहर। सो ये हो गई मज़ेदार सी तहरी का मसाला रेडी, और इसमें आलू डल जाएंगे, और आलू गल जाएंगे तो फिर उसमें चावल डल जाएंगे। सो चावल मैंने लिए थे आधा किलो से एक प्याला ज़्यादा, क्योंकि तहरी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है और शॉर्ट हो जाती है कभी कभी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है एक प्याला ज़्यादा मैंने लिया तो सही रहा। अच्छा जी, तो ये साथ साथ मैंने शरबत बना लिया था, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को फ्रेश अप करने के लिए, तो काफ़ी दिन से बोल रही थी तो मैंने ज़रा क्यूब्स जमाए, क्योंकि अब गोश्त ज़रा कम हो गया है फ्रिज में से, तो ज़रा इसकी जगह बन गई है। सो बस यहाँ पर जो है खाना तैयार हो रहा है, और ठंडा ठंडा सा शरबत हमने इन्जॉय किया। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी चावल। अच्छा जी, आप लोग बताइए कि शादियाँ चल रही हैं आपके यहाँ, क्या क्या हो रहा है आजकल? बस शादियों का भी सीज़न है और बारिशों का भी सीज़न है, और अब जिस तरह के हालात हैं आइंदा जो है कोई भी इस मौसम में शादी तो नहीं रखेगा कम से कम, क्योंकि अब ये जुलाई जो है ना ये बारिशों के लिए फ़िक्स हो गया है, और बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। लोग छुट्टियों का इंतज़ार करते हैं कि चलो छुट्टियां होंगी, लेकिन अब बारिशें भी खूब होने लगी हैं। और यहाँ पर हो गई तहरी रेडी, और तहरी खाते हैं हम अचार और चटनी के साथ, और आज का व्लॉग करते हैं एंड। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं फ्राइडे के, तो अल्लाह हाफिज़।